जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र बीएड सीईटी एंड ईएलसीईटी 2023 के कैप राउंड के बारे में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट एक बार फिर से एक्सटेंड हो गया है, दिस इज द फोर्थ एक्सटेंशन। आपको दामिनी मूवी का डायलॉग याद है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और रह जाती है एक तारीख। सो हमें मिल जाती है क्या, एक नई तारीख। सो फोर्थ एक्सटेंशन है, क्या एक्सटेंशन? इन्होंने सीईटी सेल ने इन्होंने बताया था कि दिस विल बी द लास्ट थिंग, बट अभी फिर से आज ही अपडेट आया कि एक नया एक्सटेंशन आ गया है। तो वो क्या है, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बट अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा गाइस। एंड 2024 के लिए हमने बैचेस भी लॉन्च कर दिए, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, ई बुक, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, एग्जाम टू एडमिशन कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है। सो जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर 9987338335, और यू कैन ऑल्सो विजिट टू आवर वेबसाइट विदित एजुकेशन .com guys, ओके। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या अपडेट आया है, क्या नया तारीख आया है। ओके, सो हियर वी आर ऑफिशियल वेबसाइट पे, बीएड पे आपको जस्ट क्लिक करना है। एंड ये देखिए एक्सटेंडेड कैप स्केड्यूल। अब इसमें जो है एक्सटेंडेड कैप स्केड्यूल, वो बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएड, एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स अंडर हायर एजुकेशन। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्सटेंडेड डेट्स अप टू बीपीएड, एमएड, बीएड, एमएड, ये इसका है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन 16 तारीख तक रहेगा, बीएड के लिए भी 16/8 तक रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, एनआरआई के लिए भी 16/8 मतलब 16 अगस्त तक रहेगा। ई स्क्रूटनी ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट 17 तारीख तक ये चलने वाली है बीएड के लिए, अगेन वो भी एनआरआई के लिए भी 17 तारीख। डिस्प्ले ऑफ अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट अगेन राउंड 1 18/8 को होगा। रिजॉल्विंग ग्रीवांसेस 18/8 से, ओके। और यहाँ पे पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द राउंड 1 is 22/8/2023, okay। अभी तक कॉलेज ऑप्शन फॉर्म विल फिलिंग स्केड्यूल विल नॉट कम्युनिकेटेड रजिस्टर्ड कैंडिडेट वेरी सून, ओके। यहाँ पे आप देखिए तो 16/8 ये नो फर्दर एक्सटेंशन विल बी गिवन फॉर आफ्टर 16/8 मतलब 16 अगस्त के बाद आपको कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, ये इन्होंने दिया है। नो फर्दर एक्सटेंशन विल बी डन एंड आपको कॉलेज ऑप्शन फॉर्म, ये क्यों हो रहा है आपको पता है? यहाँ पे ना लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस ऑप्शन फॉर्म जो है ना वो अभी तक आया नहीं है, ओके। इसीलिए ये सारा रजिस्ट्रेशन डेट जो है फोर्थ एक्सटेंशन दे दिया है, क्यों? क्योंकि अभी तक कॉलेज ऑप्शन फॉर्म नहीं आया है, डिटेल्स अबाउट दी कॉलेजेस नहीं आया है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन 52,530 कैंडिडेट है, ओके। ये सारा स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन लिस्ट है, डिटेल्स आ गया है, ओके। बट अभी तक कॉलेजेस का डिटेल्स नहीं आया है, इसीलिए जैसे ही कॉलेजेस का डिटेल आ गया ना गाइस, तो आपको मेरिट लिस्ट ही बनाना पड़ेगा, आपको 10 कॉलेजेस सेलेक्ट करने पड़ेंगे। एंड आई विल बी हेल्पिंग यू आउट थ्रू आउट द एडमिशन सेशन कि कैसे आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं, क्या क्या कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं। आपको हमारे कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो भी आप ले सकते हो, स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप हमें कॉल कर दीजिएगा। आई होप आपको ये एक्सटेंशन प्रोसेस के बारे में समझा रहेगा। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।